हमारे पवनदीप अरुणी दा यूएसए पहुंच चुके हैं और अब तक तो यूएसए टूर की कुछ दिलचस्प पिक्चर भी सामने आ चुकी हैं और आप देख भी चुके होंगे। पवन अरुणी के फैंस की नजर इस वक्त पवन अरुणी पर ही टिकी है। अब यूएसए गए हैं तो दोनों धमाल तो मचाने वाले ही हैं और इनके साथ पवन अरुणी की रोमांटिक पिक्चर का भी इंतजार हो रहा है। अब तक तो वो पिक्चर्स भी सामने आ चुकी हैं जिन्हें देखने के लिए आपकी आंखें भी इंतजार कर रही होंगी। तो चलिए पवन अरुणी के यूएसए टूर की पहली झलक दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, नीतू की पलटन का नया ब्लॉग आ चुका है जिसमें पहाड़ी रीति रिवाज से भाई दूज सेलिब्रेट होते दिखाई दे रहा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फैंस पवनदीप अरुणी कल रात जैसे यूएसए पहुंचे उन्होंने पहले तो एयरपोर्ट की पिक्चर्स शेयर की, उसके बाद वहां रात के वक्त की फोटो भी शेयर की। शायद इस वक्त वहां रात हो गई होगी और यहां सुबह है। जब ये फोटो शेयर की गई है तब यहां गुड मॉर्निंग किया जा रहा था और इस फोटो में अंधेरा भी दिखाया जा रहा है। जी हाँ, कल रात पवन अरुणी जिस होटल में रुके थे वहां की फोटो शेयर की है। पवन अरुणी दोनों नाइट सूट में दिखाई दिए, दोनों बहुत ज्यादा थके भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं पवन अरुणी के साथ साथ इनकी पूरी दिखाई दी और एयरपोर्ट पर इन्होंने खूब मौज मस्ती की। एयरपोर्ट की पिक्चर्स में अरुणिता बहुत अलग और दिलचस्प अंदाज में दिखाई दी। आज ये अपने टूर की तैयारी करेंगे, पहले साउंड चेक करेंगे, उसके बाद आज रात इनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस भी होने वाली है। जल्द वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप पवनदीप अरुणिता के इन दिलचस्प पिक्चर के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। भाई कुछ फैंस का कहना है कि पवनदीप अरुणिता ने मुंबई में दिवाली और भाई दूज सेलिब्रेट किया। दिवाली की पिक्चर्स तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन पवनदीप अरुणिता का भाई दूज कैसे सेलिब्रेट हुआ उसकी पिक्चर्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं। अरुणिता का दिवाली का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है। पवनदीप पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, लेकिन अरुणिता ने इस बार की दिवाली पर सबको पीछे कर दिया। हर तरफ अरुणिता ही अरुणिता छाई हुई है। अरुणिता की दिवाली पोस्ट पिक्चर कम थी कि कल रात फिर से अरुणिता ने दिवाली की कुछ ऐसी पिक्चर शेयर की जिन्होंने फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। जी हां, ब्लू साड़ी और कर्सलिप व्हाइट ब्लाउज पहने अरुणिता जब दिवाली का दीपक लेकर अपने फ्लैट की बालकनी में आई तो सब उन्हें देखते ही रह गए। जी अरुणिता की दिवाली के पिक्चर सामने आ चुके हैं। अरुणिता ने दिवाली पर खूब एंजॉय किया। उन्होंने ही नहीं बल्कि उनके दोस्त और पवनदीप ने भी ये दिवाली खूब एंजॉय की। दोनों दिवाली पर एक ही घर में दिखाई दिए। अरुणिता हाथ में दीपक लेकर फोटोशूट करवाती दिखाई दी और आलीशान घर के अंदर भी अरुणिता ने बेहतरीन फोटोशूट करवाया। ब्लू साड़ी अरुणिता पर खूब सूट कर रही थी और दोस्तों के साथ अरुणिता की दिवाली के फोटोज आप पहले ही देख चुके होंगे। इससे पहले अरुणिता ने विदेश में भी दिवाली पर खूब मस्ती की। आशीष कुलकर्णी और षणमुख प्रिया के साथ अरुणिता फोटोशूट करवाती दिखाई दी थी। मुंबई की सड़कों पर अरुणिता ने दिवाली खूब मनाई। मुंबई की दिवाली में तो अरुणिता ही अरुणिता चमक रही थी। तो आपको अरुणिता की चमकती दिवाली कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुणिता के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है जिसने फैंस को खुशी से पागल कर दिया। पवन अरुणिता ने अपने गाने से एक बार फिर पूरे देश में शोर शराबा कर दिया। हर तरफ पवन अरुणिता की ही चर्चा हो रही है। यूं कहें कि ये दिवाली पवन अरुणिता के लिए लकी साबित हुई और खास बात ये है कि पवन अरुणिता ये दिवाली एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते नजर आए। हालांकि पवन अरुणिता ने अपनी दिवाली की अपडेट अभी तक किसी को नहीं दी कि वो कहाँ है और किसके साथ है, लेकिन उनके साथ वाले लोग जहाँ थे उन्होंने दिवाली के फोटो शेयर किए हैं। पवन अरुणिता मुंबई तो आ चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपने फैंस को दिवाली की कोई अपडेट नहीं दी। ये बात वाकई सोचने वाली है। हो सकता है कि पवन अरुणिता अपने अपकमिंग सॉन्ग तेरे नैना की शूटिंग में बिजी हों या फिर किसी काम में बिजी हों या फिर विदेश से आकर थक चुके हों। फिलहाल तो इस वक्त पवन अरुणिता के जिस सॉन्ग की हम बात बताने जा रहे हैं वो सॉन्ग है मंजूर दिल। मंजूर दिल की फर्स्ट एनिवर्सरी पर पवन अरुणिता के फैंस को ढेर सारी बधाई और पवन अरुणिता को फैंस से जो प्यार मिला वो वाकई तारीफ के लायक है। एक तरह से ये गॉड गिफ्ट भी है और परिवार का आशीर्वाद भी है। जी हां, दिवाली के दिन पर ही पवन अरुणिता का मंजूर दिल सॉन्ग रिलीज हुआ था और मंजूर दिल सॉन्ग को एक साल हो चुका है, यानी पवन अरुणिता का ये गाना आज भी क्रेज में है। खास बात यह है कि कल वाले दिन पर पवन अरुणिता का ये गाना खूब देखा गया क्योंकि इस गाने में दिवाली के कुछ सीन है जो फैंस के दिल को छू जाते हैं। पवन अरुणिता की केमिस्ट्री को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया था इस गाने में। पवन अरुणिता की आवाज तो मस्त थी, साथ ही एक्टिंग तो सुपर हिट रही और शायद अब तक पवन अरुणिता ने ऐसी एक्टिंग की भी नहीं होगी। और फैंस को अभी भी इंतजार है कि कब पवन अरुणिता इसी तरह से नजर आएंगे, इस तरह से कोई म्यूजिक वीडियो बनाएंगे। आप पवन अरुणिता के मंजूर गाने के लिए क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
साउथ अफ्रीका से पवन अरुटा के कुछ नए फोटोज आ चुके हैं जिसने फैंस को खुशी से पागल कर दिया है और फैंस के कमेंट्स की तो बाढ़ आई हुई है। पवन अरुटा की झलक आपको भी दिखाते हैं, शायद आप भी इनके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो ये वहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे तो 22 को इनका शो हो चुका है, लेकिन अब ये कहाँ है और क्या कर रहे हैं वो तो देखिए। कल रात पवन अरुटा लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। जी हाँ, कल वाली पिक्चर में रात के अंधेरे में पवन अरुटा के साथ साथ आशीष कुलकर्णी, षणमुख प्रिया भी दिखाई दिए। चारों सिंगर रात भर साउथ अफ्रीका में पार्टी करते दिखाई दिए, जश्न मनाते दिखाई दिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि त्योहार पर ये अपने परिवार में नहीं है तो उन्हें मिस भी कर रहे होंगे। ऐसे में अकेलेपन को मिटाने के लिए इन्होंने एक दूसरे के साथ रात भर पार्टी की, जश्न मनाया और पिक्चर में पवन अरुटा की खुशी को तो देखी। दोनों एक दूसरे के करीब होकर बैठे हैं। फोटो देखकर ऐसा लग रहा है कि अरुणिता पवन की गोद में बैठी हैं और पवन दीप तो खुशी से पागल ही हो रहे हैं। होंगे भी क्यों नहीं, अरुणिता के साथ स्पेशल टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं और दीपावली भी मना रहे हैं। तो अगर अब तक आपने इन्हें दिवाली की बधाई नहीं दी तो इन्हें बधाई भी दें और इनके इस टूर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप अरुणता का कल वाला टंपा वाला शो सुपर डुपर हिट गया। ये शो सिर्फ पवनदीप अरुणता के लिए ही खास नहीं था बल्कि उनके फैंस के लिए भी बहुत खास था, क्योंकि यहाँ पवनदीप अरुणता न केवल अपनी परफॉर्मेंस दी बल्कि फैंस के साथ झूमते नाचते नजर आए, नाचते गाते नजर आए। जी हाँ, अरुणिता की सेट से नाचते हुए वीडियो भी खूब वायरल हो रही है जिसे बार बार देखा जा रहा है। आप भी इस वीडियो को कई बार देखने वाले हैं क्योंकि जब पवनदीप के सामने अरुणिता होती है तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। व्हाइट ड्रेस में बड़ा की खूबसूरत लग रही है अरुणिता, मटक रही है और उनकी फोटो को लोग जूम करके देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। तो बिना देरी किए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसने हर किसी को पागल कर दिया। एक बार फिर हर कोई अरुणिता का दीवाना हो गया। वीडियो में अरुणिता की खुशी बता रही है कि वो पवनदीप के साथ कितनी खुश रहती है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पवनदीप मंच पर गाना गा रहे हैं। पवनदीप जो गाना गा रहे हैं वो अरुणिता के लिए ही है। अरुणिता के लिए वो क्या फील करते हैं वो उनके प्यार पर बिल्कुल फिट हो रहा है। पवनदीप तेरे नाम फिल्म का क्यों प्यार में ऐसा होता है गा रहे हैं और उसी जगह पर अरुणिता है जहां उनका मंच तैयार किया गया है। वहां रेत ही रेत दिखाई दे रही है और काफी बड़े खुले मैदान में लोगों की भीड़ दिख रही है और मंच के करीब रेत में ही अरुणिता डांस कर रही है, अपनी व्हाइट गाउन को लहरा रही है, व्हाइट गाउन को पकड़कर घूम रही है और खुले बाल और उनकी ड्रेस उनकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रही है। तो आपको अरुणिता की ये वीडियो कितनी पसंद आई कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर अब तक आपने अरुणिता की ये वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को मिस ना करें। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर क्लिक करें और सबसे पहले अरुणिता की वीडियो देखिए और कॉमेंट बॉक्स में उनके लिए राय जरूर दें।